आप अपने बिजनेस या पर्सनल ब्रांड के लिए वीडियो बना रहे हैं और उसे अपलोड भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सही ऑडियंस तक पहुंच रहा है? कभी सोचा है आपने? वीडियो मार्केटिंग एक काफी जाना पहचाना सा टर्म है, लेकिन ऑलमोस्ट 95% लोग इसका मतलब सिर्फ वीडियो को अपलोड करना और उसे फेसबुक ट्विटर पर शेयर करना समझते हैं। वीडियो मार्केटिंग का असली पर्पस होता है आपके वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें उस वीडियो की और आपके बिजनेस की जरूरत है। तो चलिए आज जानते हैं कि टेक्निकली वीडियो मार्केटिंग में क्या क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे आप उन्हें खुद भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net। और क्या आप जानते हैं कि किसी भी ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन का CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट, यानी कि जितने लोगों को आपका कंटेंट दिखाई दिया है उनमें से कितने लोगों ने उस पर एक्चुअली में क्लिक किया है, ये परसेंट सिर्फ 0.05% होता है। जी हाँ, 1% का भी 20वां हिस्सा। लेकिन वीडियो के मामले में ये परसेंट कुछ 2-3-5% तक पहुंच जाता है, अगर वायरल वीडियो हो जाए तो 20% तक। तो वीडियोस लोगों को अपनी तरफ खींचने का एक बेहतरीन जरिया है, ये एक प्रूवन फैक्ट है। लेकिन वीडियो मार्केटिंग उसे सिर्फ वीडियो को बनाकर उसे अपलोड करना ही नहीं है। देखिए, लोग फनी वीडियो दिन भर देखते रहते हैं, उसे शेयर करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, लेकिन कोई भी YouTube पर यह सोचकर लॉगिन नहीं करता है कि चलो इस बिजनेस का एड देख के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का वो एक एड आपको याद होगा, ना सर झुका है कभी, ना झुकाएंगे कभी। अब इंश्योरेंस का डायरेक्टली सर झुकाने से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप दर्शक लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स सुनाना भी एक बोरिंग काम है, तो इसलिए वो पूरा गाना, ट्रेन का सीक्वेंस, वो इमोशनल चीजें क्रिएट की जाती हैं। और यही है वीडियो मार्केटिंग का पहला पार्ट, कि ऐसा वीडियो बनाइए जो आपकी टारगेट ऑडियंस को पसंद आए, उन्हें देखने के लिए एंटरटेनिंग हो। आप डायरेक्टली सेल्स ओरिएंटेड वीडियो बनाने की जगह किसी स्टोरी या मैसेज के ऊपर वीडियो बनाएं। अब वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, 30 से 60 सेकंड तक का वीडियो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके बाद आता है टेक्निकल पार्ट, अपने वीडियो को इस तरह से अपलोड करना कि वो आपकी ऑडियंस को जल्दी से जल्दी मिल सके। YouTube पर हजारों लाखों वीडियो पर डे अपलोड होते हैं और आपका वीडियो सही व्यूअर्स तक पहुंचे उसके लिए आप इन पॉइंट्स को ध्यान से फॉलो कीजिए। आपकी वीडियो की फाइल का नाम वही होना चाहिए जो YouTube में आप अपने वीडियो को टाइटल में देना चाहते हैं। आपके वीडियो का टाइटल टू द पॉइंट, डायरेक्ट और कैची होना चाहिए। वीक टाइटल मतलब नो व्यूअर्स, मतलब डेड एंड। आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपके बिजनेस या उस वीडियो के टॉपिक को एक्सप्लेन करता हुआ होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन की जो पहली दो लाइन है उसमें अपना CTA यानी कॉल टू एक्शन जरूर लिखिए। आपके वीडियो को देखने के बाद व्यूअर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या आप उनसे एक्शन दिलवाना चाहते हैं, आपको खुद बताना होगा और यही होगा CTA, जिसे आप डिस्क्रिप्शन की पहली दो लाइंस में जरूर दीजिए। और सबसे जरूरी पार्ट आता है टैग्स। आपको टैग्स इस तरह से रखने होंगे जो आपके बिजनेस के कीवर्ड्स या उनसे रिलेटेड वर्ड्स हों। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने जिम के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो टैग्स में सिर्फ जिम ही मत रखिए, जिम इन योर एरिया, जिम ट्रेनर इन योर एरिया, बेस्ट जिम ट्रेनर इन योर एरिया, हाउ टू लूज प्रेगनेंसी वेट, हाउ टू लूज बेली फैट, जैसे कीवर्ड्स भी डालिए। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना होगा कि आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स किस टर्म को सर्च करते हैं और उन कीवर्ड्स को ही आपको टारगेट करना होगा। आप अपने सारे टैग्स में से कुछ अपने वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर सकते हैं। थंबनेल पर विशेष ध्यान दीजिए। थंबनेल आपके वीडियो के लिए इनविटेशन कार्ड का काम करता है। अपने वीडियो के ही किसी भी फ्रेम को थंबनेल की तरह यूज मत कीजिए। फुल HD रेजोल्यूशन में इनवाइटिंग सा थंबनेल बनाइए और टेक्स्ट को मिनिमम रखिए। मेक श्योर कि आपका थंबनेल मिसलीडिंग ना हो। मिसलीडिंग थंबनेल या गलत थंबनेल से आपके वीडियो को डिसलाइक मिलेंगे, उसके रिपोर्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए थंबनेल को ऑनेस्ट रखिए बट इनवाइटिंग सा बनाइए। अपने वीडियो को सिर्फ YouTube पर ही अपलोड मत कीजिए, उसे डेली मोशन, मैट कैफे, व्यो, वीमियो, फेसबुक, ट्विटर, इन सारी साइट्स पर भी अपलोड कीजिए। इन वेबसाइट्स का ट्रैफिक YouTube के मुकाबले काफी कम है, लेकिन फिर भी इन पर अपलोड करने से रैंक अच्छी हो जाती है। और अगर आप इन पॉइंट्स को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपको अपने मन चाहे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने लाइक बटन को नहीं दबाया है, क्यों नहीं दबाया है, दिस इज द राइट टाइम। Hit the like button, hit the subscribe button, and don't forget to hit that bell icon as well. Dekho kyun chhod? Thank you so much for watching this video. I'm Amit Tiwari for amittiwari.net, and I will see you next time. इसके अलावा हम अपने फैन पेज पर भी कुछ स्पेशल टिप्स देते रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप हमारे फेसबुक फैन पेज को भी फॉलो कीजिए। लिंक अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।